नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं अभिनव लीजिंग शेयर के बारे में। कंपनी के रिजल्ट्स आउट हुए जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट अप हुआ 46%। तो मैं ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, सीधा लेके चलता हूं आपको स्टॉक के चार्ट की तरफ और कंपनी के प्रॉफिट की तरफ, और अगला हमारा स्टॉक में क्या मूव होना चाहिए वो बात कर लेते हैं सिंपल एनालिसिस के माध्यम से। वीडियो को अंत तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना अगर आपको शॉर्ट अपडेट चाहिए स्टॉक का। तो आप लोग देख सकते हो अभिनव लीजिंग जो भी 2 रुपए ट्रेड कर रहा है, इसका आरओसी बहुत पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है, 16% प्लस होल्डिंग प्रमोटर्स की नाके बराबर है, डेट फ्री शेयर है, लगातार प्रॉफिट बिजनेस में है। अब थोड़ा बात करते हैं नंबर्स के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सितंबर में कंपनी की जो सेल्स है 13 करोड़ की हुई है। तो कंपनी की जो सेल्स है भैया बहुत गजब की सेल्स हमें देखने को मिलती है। लास्ट टाइम ये सेल्स 8 करोड़ की थी, अब ये 13 करोड़ की हो चुकी है। तो सेल्स में बहुत अच्छा इजाफा, मतलब ऑलमोस्ट 50% का जंप हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी नेट प्रॉफिट की बात करते तो 4 लाख का प्रॉफिट था, सॉरी ये बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, 4 लाख का प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स, और यहाँ पर आपको 12 लाख का प्रॉफिट कंपनी ने अभी दिया है, मतलब प्रॉफिट 3x हो चुका है। तो मतलब कंपनी के नेट प्रॉफिट में काफी अच्छा इजाफा हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, बहुत लोग बोले कि इतनी मेरी सैलरी है साल भर की, ठीक है, इतना तो मैं साल में कमाता हूँ, महीने में कमाता हूँ, कंपनी में हमें कुछ नहीं है। कोई बात नहीं भाई, ठीक है, ये पैनी स्टॉक है, मार्केट में ऐसे ही होता है, बहुत सारे पैनी स्टॉक होंगे, बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक होंगे, बहुत सारे स्मॉल कैप स्टॉक होंगे, ठीक है। तो ये चलता रहता है, हमें सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटी तलाशनी है, ठीक है, हमें सिर्फ अपने स्टॉक में अपनी अपॉर्चुनिटी तलाशनी की मिल रही है, स्टॉक बना या नहीं बनाया उसके बहुत सिंपल रूल है जो मैं आपको बता चुका हूँ। प्रॉफिट अप हो रहे इट मीन स्टॉक इज गोइंग टू मेक इट बिग, बना बड़ा बना सकता है। अब वो कब बड़ा बनाएगा इसको ना, इसका कोई जवाब नहीं है, इसका आंसर वो आपको नहीं देने वाला, इसका आंसर उन्हीं व्यक्ति को मिलेगा जो स्टॉक को पहले से बाय करके बैठे होंगे। जब वो भागना स्टार्ट करेगा, जब आप उसको पकड़ोगे तो आपको लॉस ही होने वाला है, या फिर आप बहुत कम रिटर्न गेन करोगे। लेकिन जब आप स्टॉक को तब पकड़ोगे जब वो गिर रहा है या फिर साइडवेज मार्केट में है, तब आपको पैसा अच्छा कमा के देता है, ना कि जब प्राइस चढ़ता है। चढ़ते समय तो बड़े प्लेयर्स एग्जिट करते हैं, ठीक है, पैनिक स्टॉक की बात कर रहा हूँ। रिजर्व देखो ग्रो कर रहे, डेट शून्य है, शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टॉक का देख सकते हो आप, प्रमोटर्स की होल्डिंग है ही नहीं यहाँ पर। तो क्या स्टॉक घटिया है? बिल्कुल, यही आपको सिखाया गया है ना कि प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर हाई हो तो बाय करो, कम है तो सेल करो। लेकिन यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो हिडन प्रमोटर्स में जब आप देखते हो तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, 5%, 3%, 4%, 4%, 3%, 2%, 3%, 2%, 2%, 2%, 2%, 2%। तो इन सबको जब मैं सबको एड ऑन करता हूँ तो स्टॉक में मोटा मोटी आप बोल सकते हो, ठीक है, मोटा मोटी 50 और 60% के आसपास की हिस्सेदारी हमें देखने को मिलती है यहाँ पर हिडन प्रमोटर्स की, जो अपने आप में बहुत बेहतरीन बात है, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा, नजरों में रखिए स्टॉक को, ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है, नो डाउट, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, थोड़ा प्रॉफिट देख लिए, प्राइस देख लो थोड़ा सा। तो चार्ट पैटर्न आप लोग देख सकते हो, अगर आपको याद होगा मैंने आपके साथ पैटर्न शेयर किया था जिसको बोलते हैं मंथली पैटर्न, ठीक है, रेड वाला पैटर्न जो बताया था मैंने आपको। अब आप यहां पर देखिए ये मंथली पैटर्न का यहां पर से ब्रेकआउट किया और ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब आपने मैंने जैसे बोला हुआ है स्टॉप लॉस जो लगाओगे क्लोजिंग बेसिस का लगाओ, तो देखो इसका लो था 1.86, इसका लो था 1.84, ठीक है। तो क्लोजिंग बेसिस का मतलब होता है उसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज कर दे इस प्राइस के नीचे, तो अभी तक हमारा ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ बल्कि सपोर्ट लेके देखो ये चूम के इसको ऊपर चले जाता है हमेशा, ठीक है। तो जब तक ये स्टॉक 184 मतलब 182 लगा लो मोटा मोटी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आप स्टॉक को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जिस मर्जी के लिए होल्ड करो, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जिस मर्जी के लिए होल्ड करो, 6 दिन 10 दिन 20 दिन 100 दिन, ये स्टॉक आपको 38 यहां से इसके टारगेट, यहां तक के टारगेट और यहां तक के टारगेट दिखाएगा। मतलब अगर आपका लॉस 30 पैसे का है तो 60 पैसे के कम से कम रिवॉर्ड की इंतजार करो, ठीक है। तो मतलब अगर इसको आप बाय करोगे, हमारा जो बाय एक्टिविटी हुआ 210 में हुआ है, तो स्टॉक देखो नीचे भी आया 185 तक, तो चाहो तो आप स्टॉक को 187 186 189 जहां मिले वहां एवरेज कर लो, ठीक है। लेकिन स्टॉप आपको लगाना है 184 का, बस ये स्टॉप आपको ध्यान में रखना है, और जो टारगेट रहेंगे मैं आपको बता चुका हूँ ये आपका टारगेट रहेगा कम से कम डबल, तो कम से कम स्टॉक आपको 2 रुपए 70 पैसे तक के टारगेट दिखा सकता है, 2 रुपए 65 पैसे तक के, ठीक है, इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से। इसको बोलते हैं प्रॉपर गेन की स्ट्रेटेजी,
ट्रेडिंग सेटअप है ना कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सेटअप है। हाँ, इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप बना सकते हो, लेकिन उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करना। अब कैसे करा जाता है, देखो मान के चलो आपने इस कैंडल में बाय किया उसी 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 फॉर्मूले से, जस्ट उसी फॉर्मूले से जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ देखो बाय एक्टिवेट हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका रिवॉर्ड देखो इस कैंडल में आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, आप एग्जिट कर दीजिए क्वांटिटी, मतलब शुरू में छोटी क्वांटिटी मतलब 70% कर दो, 30% कैरी करो, और मंथली कैंडल का जो लो है उसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। तो आपका जो यहाँ प्रॉफिट आपने बाय किया था स्टॉक, वो आपका यहाँ एग्जिट हो गया। फिर दोबारा आपने इसी में दोबारा बाय किया उसी उसी स्ट्रेटेजी से, यहाँ बाय एक्टिवेट हुआ ये स्टॉप लॉस। तो यहाँ देखो हमारा प्रॉफिट आ गया 1:2 का मोटा मोटी, इसका इस कैंडल का अगर आप हाई लो मार्क करोगे तो डबल आराम से आकेट आ गया। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, 70% गेन करोगे, फिर वही फॉर्मूला लगाओ जो बताया मैंने। देखो ये स्टॉक प्राइस फिर कहाँ तक गया, ऑलमोस्ट यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया। तो आप यहाँ देख सकते हो प्राइस आपका 1.62 में आपने बाई किया, 5 रुपए तक स्टॉक गया। तो क्या कर रहा है, आपको 100% गेन आ रहा है। तो आपने पहले 40% के गेन में निकले, क्योंकि 1:2 रिस्क 40% ही होगा मेरे हिसाब से। उसके बाद जैसे 100% आएगा, आप या तो पूरी कैपिटल खाली कर दो, मतलब जो 30% बचा हुआ है, या फिर कुछ शेयर छोड़ दो और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ जिस तरीके से मैंने बताया, इस कहने के लो में लगाओ, फिर यहाँ एग्जिट कर दो पूरा का पूरा माल, या फिर 100% के गेन में एग्जिट कर दो। क्योंकि 100% गेन अगर आ जाता है ट्रेडिंग में, ये ट्रेडिंग है मतलब, ये बेसिकली ट्रेडिंग है, तो भैया बढ़िया बात है। तो ट्रेडिंग में मतलब 1-2 महीने में 100% आना बहुत अच्छी बात है पेनी स्टॉक में। तो यहाँ भी अगर आपको यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, आपका अगर 1:2 आ जाता है, ठीक है, उसके बाद 30% आप कैरी करो। 30% कैरी करने के बाद अगर वो आपको 100% का गेन देता है स्टॉक, तो फिर आप एग्जिट कर दो पूरा का पूरा माल। तो ये सिंपल फॉर्मूला अपनाओ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है। बाकी 1:2 के हिसाब से अगर आप करोगे तो वो ट्रेडिंग पर्पस है, जो आपको आराम से 30 से 40% गेन दिखे जा सकता है, ठीक है। तो आपको जब भी ट्रेडिंग करते हो तो पोजीशन साइजिंग के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, सेम क्वांटिटी आपको अप्लाई करनी होती है। ऐसी नहीं है कि आप क्वांटिटी कुछ भी रख लो, प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिफाइन किया करो, और साथ में स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग, खासकर स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग। जितने रुपए का स्टॉप लॉस है, हमारे यहाँ पर 30 पैसे का स्टॉप लॉस है, लेकिन एक स्टॉक ऐसे आएगा जो 4 रुपए का स्टॉक होगा, लेकिन उसमें स्टॉप लॉस, उस पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 80 पैसे का। तो आपको 80 पैसे के हिसाब से क्वांटिटी डिफाइन करनी है, ना कि प्राइस के हिसाब से, इस 80 पैसे के हिसाब से, और यहाँ पर इस 30 पैसे के हिसाब से, ठीक है। वो तभी वो अच्छा आपका पोजीशन साइजिंग बैठेगा और रिस्क मैनेजमेंट बैठेगा। अदरवाइज अगर आप थोड़ा ऊपर नीचे करोगे तो लॉस फिर उस हिसाब से होने वाला है, ठीक है। ये बात को समझना थोड़ा, क्या मैंने अभी बात पूछी जो, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।